श्री भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ श्री भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के किसी खास खबर पर। अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक अनुमंडल पदाधिकारी नीत निखिल सुरीन की अध्यक्षता में गुरुवार को स्थानीय अनुमंडल कार्यालय में हुई। बैठक में महुआ डांड सीओ जुल्फिकार अंसारी, महुआ डांड रेंजर वृंदा पांडे, गारू रेंजर विजेंद्र चौबे, बारिसान रेंजर तरुण कुमार सिंह, सीआई राजस्व कर्मचारी आदि अनुमंडल स्तर के वन अधिकार समिति के सदस्य मौजूद थे। बैठक के संबंध में महुआ डांड नीत निखिल सुरीन ने बताया कि अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में कोटामू महुआ डांड पथ निर्माण एवं लातेघर से बनारी भाया गोताग पथ कार्य में पड़ने वाले वन भूमि को ग्राम वन अधिकार समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अब महुआ डांड से कोटामू पथ निर्माण कार्य एवं लातेघर से बनारी भाया गोताग पथ कार्य निर्विरोध जारी रहेगा। बैठक में महुआ डांड तथा गारू प्रखंड से प्राप्त आवेदित दावा पत्र पट्टा की भी समीक्षा की गई एवं विभिन्न गांवों से सामुदायिक वन पट्टा हेतु प्राप्त दावेदार की संचिका को प्रक्रिया में सुधार हेतु ग्राम वन अधिकार समिति को वापस करने का निर्णय लिया गया। झारखंड के लातेहार से बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। बैठक कर रहे हैं सर, किस चीज को लेकर बैठक कर रहे हैं सर? ये अनुमंडल स्तरीय ग्राम वन अधिकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विकास संबंधी कुछ कार्यों के लिए फर्स्ट राइट एक्ट की ग्राम सभा द्वारा सुस्वीकृति लेनी पड़ती है, उन्हीं पर चर्चाओं के लिए एक बैठक अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति के तत्वावधान में आयोजन किया गया।